जय श्री राम। आज इस कथा में हम लंका कांड का कथा कहेंगे। जैसे ही समुद्र देवता प्रकट हुए और श्री राम जी को बताए कि नल और नील दो वानर हैं और उनके छूते ही पत्थर हल्का हो जाता है और पानी में तैरने लगता है, तो समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिसमें सेना उतर सके। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर यानी जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत जी ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं लगेगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए चल दिए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंस कर कहते हैं, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत सारे दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरक गामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान
स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण और न बानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, यानी जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके सौ सौ योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनके आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की अत्यधिक संख्या को कौन वर्णन कर सकता है, कौन कह सकता है। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे थे। तभी कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण दोनों भाई ऐसा कातुक देखकर हंसते हुए पार हो गए, चल दिए। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र को पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जाती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही ऋषि वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों के लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके कान नाक काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बननिधि, निर्निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोई निधि, कंपति, उद्धधि, पयोधि, नदीश की क्या सचमुच ही बांध बना लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ रावण भय को भुलाकर महल को चला गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ की करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके, और आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बराह और नृसिंह रूप से महान सुरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, उन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं।
शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत जन ऐसे नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ यानी वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और सहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे सामने योद्धा कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज सभी दिक्पालों को तथा कालों को भी मैं अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कहिए तो ऐसा कौन बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, ये सभी मूर्ख मंत्री मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था। उसका चरित्र सब लोग अभी भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर चलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते होगे तुम हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत ज़्यादा हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। इधर सुग्रीव ने कहा कि हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया जिसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विश चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसते हैं और फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु जी बोलते हैं कि हे विभीषण,
दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। विभीषण बोले, हे कृपालु, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इसका भेद, इसका कारण किसी ने नहीं जान सका। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर यह छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कट के गिर पड़े? सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर वचन कहा, सिरों को गिरना भी इसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, इसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा? अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़िए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मा लोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन यानी भावों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, तो दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। हे प्राणनाथ, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो, मन अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय, डरपोकन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे पी, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह समझ पड़ा। हे पीर, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल वसमति भ्रम हो गया है। इस प्रकार रावण ने बहुत सारा विनोद करते हुए उसका रात गुजर गया और सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामन जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि सब कुछ जानने वाले हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई।
कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बलबुद्धि और गुणों के धाम वाली पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चल दिए। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को असली बात नहीं बताते, उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर से आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि हे विधाता, अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण की दरबार का राह बता देता है, जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर चला गया और वे वीर धीर और बल की राशि अंगद सिंह की ऐसी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो, भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सारी लताएं हैं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बलिपुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद खड़ा हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलत्स्य ऋषि के तुम पौत्र हो यानी पोते हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार तुम प्रार्थना करो। इस वचन को सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नामक एक बंदर था। अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपनी कुल रूपी
बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने घंस कर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र के हृदय से गले लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको ही सुनाएंगे। हे मूर्ख, तुम सुन भेद उसी के मन में पड़ सकता है। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूध होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैंने तेरे सब कठोर वचन सुन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की, बात तो अपने आँखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, यह सब लोकपालों के विशाल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में ही बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामन जी बहुत बूढ़ा है, अब वह लड़ाई में क्या चढ़ सकता है? नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर क्रोध भी कुछ भी नहीं आया। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसे ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उससे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तो हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। बक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो सरसियों से निकाल रहा हो। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता
तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तब तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न ही चीड़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली के जीतने पाताल में गया था, जब तब बच्चों ने उन्हें घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहू ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सुरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू मुझे छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण की यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी संभाल कर सोच समझ कर बोला कर। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीस, वे मनुष्य क्यों कर रहे हैं, क्यों रे मूर्ख उदन, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी उनका धनुर्धारी है और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी है, सिंह जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभो जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट जाए तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। अरे रावण कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री रामचंद्र जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। रावण ने बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैं संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। अरे दुष्ट, बांडों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं पर इसी से वे सभी सुरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सुरवीर और देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा सुरवीर है जो मेरी इन अथाह और अपार विष को समुद्र को पार पाएगा। सुग्रीव ने कहा कि तब अंगद ने कहा कि अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सुरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं,
गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, आप बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। रे हे दसमुख, मैं दूध की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। प्रभु के वचनों को मन में याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक यानी सुग्रीव का दूत और सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट यानी नष्ट भ्रष्ट करके तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। आगे का रावण और अंगद के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुआ, अगली वीडियो में कहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे की कथा ज़रूर समझें जाने। धन्यवाद।